शांति। आज हम स्नेह की शक्ति पर विचार करेंगे। सहजयोगी बनने का सहज साधन रूहानी सच्चा स्नेह है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुला देता है। हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन स्नेह है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह ही शक्तिशाली जीवन बनाने का पालना का आधार है। सदा स्नेही के आगे प्रकृति और माया दोनों दासी बन जाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को भी स्नेही मूरत, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार द्वारा, स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन कर दो। सदा यही लक्ष्य हो कि स्नेह देना है और स्नेह लेना है। स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमय कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। विश्व में अरब खरब पति बहुत हैं, लेकिन परमात्म सच्चे प्यार के भिखारी हैं। स्नेह संपन्न जीवन की संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। हर एक को कोई ना कोई चिंता है। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं तो ऐसे प्यासी भटकती हुई आत्माओं को सच्चे स्नेह की अनुभूति कराओ। सच्चा निस्वार्थ प्यार दो, जैसे बाप का सभी बच्चों से सच्चा स्नेह है। इसलिए कभी कोई बच्चे की कमी कमजोरी देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। ऐसे फॉलो फादर कर अपने सर्व आत्मिक भाइयों के सच्चे स्नेही बनो। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है, उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। जैसे बाप दादा का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए शिक्षाएं देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहें, लेकिन नहीं, बच्चों में छोटी सी कमी भी क्यों रह जाए। प्यार वाले की कमी देखी नहीं जाती। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। ऐसे सर्व के सच्चे स्नेही बन, उनकी कमियों को अपनी कमी समझकर उन्हें परिवर्तन करो। जिससे स्नेह होता है, उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना व निश्चय है, ऐसे ब्राह्मणों से भी आत्मिक प्यार अटूट हो, अखंड हो। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर देखते हुए भी प्यार में अंतर ना आए, क्योंकि सारे कल्प में एक दो से अटूट संबंध रहा है और अभी
सब ईश्वरीय परिवार के हैं। किसी भी आत्मा की कोई भी बात आपको पसंद नहीं आती है तो उस समय बुद्धि में यही बात रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, अवश्य कोई विशेषता है। जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को देखने की बजाय और ही हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, मेरे हो और सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करो। विशेष आत्मा समझ किसको भी देखो, संबंध संपर्क में आओ तो हर आत्मा के प्रति स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज होगा। बाप के साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जैसे साकार में बाप शरीर का व तबीयत का भी ख्याल ना करके बच्चों को विशेष सर्च लाइट देते थे, यह स्नेह का सबूत है। ऐसे अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया है वही करना है। स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस यानी बलिदान किया जाता है। तो अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया वैसे ही फॉलो करो। ऐसे नहीं सिर्फ उठकर बैठ जाना है, लेकिन उस समय लाइन क्लियर हो, शक्ति रूप में बैठकर सर्च लाइट दो, सुस्ती मिक्स ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम शांति।